लेकिन अब 3 दिन बाद भी पंजाब दे विच मौसम एक बार फिर तो करवट लवेगा। दूजे पासे जेकर नमी की गल करिए सितंबर महीने तक यह इसे तरह ही रहेगा। मोहाली, तरन तारण, फाजिलका, अमृतसर, रोपड़ दे विच कित्थे मीह होर पवेगा, सारी जानकारी लई है साडे सहयोगी मौसम विभाग के डायरैक्टर दे नाल गलबात की है। देखो मौसम नूं लैके की कुछ जानकारी। पंजाब तुसी देख रहे हो जिस तरीके दे नाल अज सवेर उठते ही मौसम ने एकदम तो करवट लेती है और लगातार तेज बरसात हो रही है और कहा जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों दे विच किस तरीके का मौसम रहने वाला है। लेकिन बरसात जरूर लेकिन ह्यूमिड जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ है। सैडनेस वेले डायरेक्टर मौसम मनमोहन सर मौजूद है। मनमोहन सर, किस तरीके का वैदर रहने वाला है? अज काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है। हाँ बिल्कुल, अज जी है चंडीगढ़ के आस पास के इलाके काफ़ी बारिश जी हो रही है मौसम तो, लेकिन जी बारिश है ये अपना थोड़ी देर और चलेगी, लेकिन जी फोरकास्ट है वो है 4-5 से 6 तारीख में जी बारिश हो सकती है। 4-5 से 6 तारीख में जी पंजाब जे मैनी प्लेस स्कैड बारिश होने की प्रॉबिलिटी और नाल ही जी है अपनी हैवी बारिश भी हो सकती है। मनमोहन सर, जिस तरीके के नाल हुण भी हड़ के हालात पंजाब के विच देखे गए और हालांकि हले भी कई जगह के उपर वाटर लोडिंग उस तरीके दे नाल हैगी है, उस तरीके के हालात तो नहीं होंगे या फिर बरसात रुक रुक के हुई? बहुत हैवी रेनफॉल दसिया गया है। जी बारिश है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन क्योंकि जी बारिश है वो पिछले महीने भी काफ़ी हो गई थी, लगातार बारिश चलती रही, तो जी सैचुएशन है मतलब हो गई वो ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरह जो नदी नाले होंगे उन्होंने पानी जोड़ा है ऑलरेडी भरया हुआ, तो जी अगर थोड़ी बारिश भी होंगी है जो इंपैक्ट है वो ज़्यादा रहेगा। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन जो इंपैक्ट है वो ज़्यादा रहेगा। सर, ह्यूमिड लेवल बहुत ज़्यादा है कि लगता है बरसात नाल खत्म हो गई या आने वाले समय के अक्सर कह देंगे सितंबर तक ह्यूमिड लेवल डाउन हो जाता है, कुछ कमी होएगी या हले इस तरीके का ही रहने वाला है? एक्चुअली जी आपने जुलाई और अगस्त महीने होंगे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी लैवल रहता है और अगस्त जो रहेगा ही क्योंकि जो विंड पैटर्न भी डिफरेंट रहते हैं, साउथ वेस्टर्न विंड या ईस्टर्ली विंड रही है जो कि मॉइस्ट जी है वो मॉइस्चर को कैरी करती है, इसकी वजह से ह्यूमिडिटी लैवल बहुत ज़्यादा रहता है। फिर अपने बारिश भी होंगी है तो जो अपने सरफेस से ग्राउंड सरफेस से जो है अपने पानी भी जगह जगह है, इस टाइम सूरज निकल रहा है अपने तो फिर जो अपनी वैपोरेशन हो भी ज़्यादा तेज हो जाती है जिसकी वजह से ना जो है काफ़ी डिस्कम्फर्ट लैवल हो जाता है। इस बारी मतलब जो अपना ह्यूमिडिटी लैवल है ये अगस्त महीने के हर साइड से रहेगा, लेकिन सितंबर च हो जाए खास करके मिड सितंबर के बाद जो ह्यूमिडिटी लैवल है वो घट जाए। सर, आज की बरसात तो बाद कितने दिन तक किस तरीके का मौसम रहने वाला है और कौन से एरिया में ज़्यादा इंपैक्ट बरसात का देखने को मिलेगा? बारिश जी है 3 दिन रहती है प्रॉबिलिटी, अज कल 4-5 6 तारीख में ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, उस 7-8-9 जी बारिश है वो घट जाएगी, लेकिन उस तो बाद फिर दोबारा तो मतलब जी बारिश है वो इंटेंसीफाई हो सकती है। जी हूँ बारिश है वो जो हैवी स्पेल है वो ज़्यादातर प्रॉबिलिटी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है, कपूरथला, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, नाल ही जो अपने हुशियारपुर रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के नाल मोहाली डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने जी प्रॉबिलिटी है हैवी बारिश होंगी वो ज़्यादा होगी, बाकी जो इलाके उन्होंने भी जुलाई टू मॉडरेट बारिश है वो। थैंक यू सो मच सर। इस साइड ने गल करते हैं मनमोहन सर, लोगों को गर्मी तो राहत है थोड़ी रहेगी लेकिन ह्यूमिड लेवल अगस्त महीने के इस तरीके का ही रहने वाला है। कैमरामैन गुरविंदर के नाल चंडीगढ़।